साल पहले कुछ इसी तरह से जब प्रयागराज में बिल्डरों के दफ्तर और व्यवसायियों के नंबर पर फोन की घंटी बजती तो उनके चेहरे पर पसीना आ जाता था। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तब अतीक अहमद के गुर्गे इसी तरह से फोन लगाकर धमकाते और वसूली करते थे। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अतीक अहमद ने वसूली और धमकी के इस धंधे के लिए बाकायदा एक कॉल सेंटर खोल रखा था। दहशत वाली इन दीवारों के बीच एक कमरा उस कॉल सेंटर का भी था जिसमें बैठकर अतीक के खास गुर्गे फोन लगाते और वसूली की डिमांड करते थे। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि अतीक ने धमकाने और वसूली करने के लिए गुर्गों की अलग अलग टीमें बना रखी थी जो अतीक के नाम पर धमकाते और वसूली करते थे। बाद में अतीक ने वसूली का पैटर्न बदला और जब चुनाव का वक्त आता तब वो डमी बैलेट पेपर की पर्ची को वसूली का कोड वर्ड बनाता। ये 2018 के उपचुनाव की पर्ची है जिसके पास गुलाबी पर्ची पहुंचती उसे 3 से 5 लाख और जिसके पास सफेद पर्ची पहुंचती उसे 5 लाख या फिर उससे ज्यादा देने होते थे। अतीक के इसी आतंक लोक में पुलिस ने पिछले महीने छापेमारी की थी, जगह जगह खुदाई की और फिर जमीन में गाड़े गए हथियार और 75 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए थे। चर्चा तो इस बात की भी होने लगी थी कि अतीक अपने विरोधियों की हत्या के बाद लाश को यही जमीन में गड़वा देता था। कहने वाले कहते हैं कि खुदाई हो तो कंकाल भी मिल सकते हैं।